Is it necessary/mandatory to be vegetarian and non-alcoholic to succeed in Dhyan and spirituality? क्या ये आवश्यक है कि आप शाकाहारी हो और दारू इत्यादि ना पिए अगर ध्यान के पथ में सफल होना है तो? ऐसा नहीं कि जो बंगाल में संत हुए या कश्मीर में संत हुए या जो केरला में संत हुए उनको प्राप्ति नहीं हुई, या जो तिब्बत में संत हुए वो मांस भी खाते थे मछली भी खाते थे। ऐसा नहीं कि मांस या मीट खाने से आप कोई बहुत पीछे हो जाओगे, परंतु ये एक करुणामय चीज़ नहीं है। आप जिस चीज़ का सेवन कर रहे हो उसमें किसी की मृत्यु हुई है, किसी की निर्मम ढंग से हत्या की गई है। उस मांस को मुख में रखने के लिए यदि आप जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आध्यात्मिक ढंग पर जैसे जैसे आप ऊपर उठना शुरू करते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ एक समय आएगा आप मांस खा ही नहीं पाओगे, मुख में नहीं रखा जाएगा। किसी का मांस काटा है उसमें ब्लड है क्या क्या है और पता नहीं कैसे उसको साफ किया गया है कैसे नहीं किया गया है, उसको आप मुख में रख रहे हो उसका केवल स्वाद लेने के लिए। हाँ, आप ऐसी जगह पर हो जैसे मैंने बोला तिब्बत है, एकदम बर्फ में बैठे हुए हो और मान लो 20,000 फुट पे बैठे हुए हो, नहीं कुछ वहाँ सब्जी ही नहीं उगती, तो शायद हो सकता है सर्वाइवल के लिए आप खा लो, परंतु अब तो ठंडे देशों में नहीं रह रहे, गर्म जगह पर आ गए हैं। मनुष्य का जो अमाश्य है वो मांस को पचाने के लिए बना ही नहीं। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनका जो इंटेस्टाइन इट्स वेरी लॉन्ग, मनुष्य का तो छोटा सा है। मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं गर्भ के अंदर पेट के अंदर कितनी देर तक। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके जो दांत होते हैं, ये दो दांत निचले और ऊपर के बाहर को होते हैं, मोलर्स और व्हाट दे आर प्रोट्रूडिंग। तो कोई भी शाकाहारी जीव देख लीजिए, चाहे वो गाय है चाहे वो हाथी है, नहीं होते उनके, सीधे सीधे होते हैं। तो जो सीधे दिए हैं प्रकृति ने या एवोल्यूशन से जो बने हैं किसी कारण से ही बने होंगे। प्रत्येक लिविंग एंटिटी, प्रत्येक वो चीज़ जो श्वास लेती है उसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं उसमें से एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है? जब आप उग्र होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो ये शरीर में फ्लो करता है, ये सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से और ये फिर फ्लो करता है बॉडी में, उससे एग्रेशन आता है। इसलिए कई बार व्यक्ति होता है ना क्रोध में, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है वो किसी के चांटा लगा देते, बाद में सोचता अरे मुझ में ये बल कहाँ से आ गया, या एकदम आप कांपने लगते हो थर 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 क्रोध से। तो जब आप क्रुद्ध होते हो तो जो सारी बॉडी की एनर्जी है, जब आप एग्रेसिव होते हो वो पेट में से निकल के शरीर में चली जाती है, क्योंकि प्रकृति सोचती है शायद अब आपको लड़ना है किसी से, इसलिए आपको बल चाहिए। तो क्रोध में हमेशा डाइजेशन वीक हो जाती है, कभी भी देख लेना, पाचन शक्ति जो है कमज़ोर पड़ जाती है। जब एक जानवर को पकड़ा जाता है तो वो वेदना से चिल्लाता है, कराता है कि मुझे मत मारो मुझे मत मारो, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक जीव जीना चाहता है और हर कोई चाहता है मैं और जीऊँ और जीऊँ। तो उसको जब काट दिया जाता है तो वो जितना भी एड्रेनलिन होता है वो उसकी बॉडी में सॉलिड स्टेट में दोबारा हो जाता है। उसके बाद जब आप उस मांस को खाते हैं तो वो आपके भीतर जाता है, तो आप एक्सेसिव हार्मोन्स लेके जा रहे हैं अपनी बॉडी में, आपको भी क्रोध जो है अधिक आएगा। और वैसे ही कोई स्वच्छ चीज़ नहीं है खाने वाली, परंतु क्या मैं धार्मिक या आध्यात्मिक तौर पर बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने केवल आपको एक वैज्ञानिक पक्ष बताया है और एक मेरा स्वयं का मत बताया है। उसके अलावा जैसे आपका मन करता है वैसे आप कर सकते हैं। जहाँ तक अल्कोहल की बात आती है, शराब पीने की बात आती है, उसमें देखा जाए तो किसी का नुकसान नहीं है, अन्यथा कि अनलेस कि आप मतलब एडिक्ट हो चुके हैं और सारा धन अपना कमाई उसी में लगा रहे हैं या पी कर आप बहुत वायलेंट हो रहे हैं, हिंसक बन रहे हैं, किसी की मार पिटाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं सिवाय कि आपका स्वयं का। अल्कोहल जब मनुष्य पीता है, जब शराब पीता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति जो है क्षीण होती है, परंतु हर चीज़ आ जाती है कि किस मात्रा में आप क्या ले रहे हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी यू टेक और अंडरटेक। और इसमें दो मत हैं। अगर आप धर्म के पथ पर चल रहे हो, यानी कि धर्म अर्थात रिलीजन, नॉट ड्यूटी। धर्म एक शब्द है जिसका अर्थ सिर्फ रिलीजन नहीं, ड्यूटी भी है जो मनुष्य का धर्म बनता है कुछ भी करने के लिए। यदि तो आप धर्म के मत पर चल रहे हो फिर तो आपको अनुमति नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हो तो फिर कोई मनाही नहीं है, मतलब आप अपना देखो, अगर आप सही मात्रा में लेके कर रहे हो। परंतु यह तो नहीं हो सकता कि शरीर को नुकसान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा।